हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये एक बरगद का प्लांट है जो कि वाल में कुछ इस तरीके से उगा हुआ था, और इसे देखते ही मेरे माइंड में इसकी बोनसाई की इमेज आ गई, तो मैं इसे निकलवा कर मंगवाई हूँ। और अब मैं इसे अपने एक छोटे से होममेड प्लांटर में लगाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितना क्यूट सा प्लांट है, और इस प्लांट में ढेर सारी ब्रांचेज आई हुई है। अक्सर बनियन प्लांट में इतनी ब्रांचेज देखने को नहीं मिलती है, तो देखिए इस प्लांटर में मैं लगाने जा रही हूँ। और ये प्लांटर भी मेरा खुद का बनाया हुआ है, जिसकी वीडियो मैं पहले ही आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए इस पॉट में, इसमें एक ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है प्लांटर में, तो ये ड्रेनेज होल है, उस पर मैं ये ईंट के टुकड़े रख रही हूँ फ्रेंड्स, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे पत्थर वाला सैंड है, तो उसे मैं ऐड कर दिया ताकि सॉइल वेल ड्रेन रहे। और ये गार्डन सॉइल है फ्रेंड, इसमें गोबर की खाद थोड़ी बहुत मिली हुई है, इसी में ये छोटे छोटे जो सैंड के टुकड़े हैं उन्हें मिक्स किया, ये बारीक सैंड को मिक्स किया, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ ईंट के कुछ टुकड़े हैं। ये ईंट के टुकड़े डालने से सॉइल मॉइस्ट रहती है और एयर सर्कुलेशन बना रहता है, और ये मोटे वाले सैंड भी मैंने ऐड कर दिया लास्ट में। उसमें थोड़े छोटे बड़े हर तरह के पत्थर भी मिले हुए हैं, तो ज़्यादा बड़े पत्थर होंगे तो उन्हें मैं निकाल दूंगी, और अब इन सबको इसमें फिल कर दे रही हूँ। गार्डन सॉइल में मेरी गोबर वाली खाद मिली हुई है, तो वैसे तो ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने बड़े पत्थर के टुकड़ों को हटा दिया, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करूँगी। वैसे तो बोनसाई के लिए पत्तियों वाली खाद सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इसके ऑप्शन में मैं दूसरे फर्टिलाइज़र भी ऐड करना बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए इस तरीके से ये उगा हुआ था वाल में, तो मैं इसे इसी तरीके से लगाने वाली हूँ। और ये इसका टैप रूट है फ्रेंड्स, तो बोनसाई बनाने के लिए इस टैप रूट को कट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस टैप रूट को मैंने कट कर लिया। अब ये प्लांट बिना टैप रूट के इन फाइबरस रूट के ऊपर ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस कट मार्क पे हल्दी पाउडर मैं हमेशा लगाती हूँ, तो हल्दी पाउडर ही मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, और सॉइल में भी फंगीसाइड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस प्लांट को इसमें इस तरीके से मुझे लगाना है, लेकिन इसे लगाने से पहले फर्टिलाइज़र के रूप में मैं ऐड करने जा रही हूँ ये मेरे पैकेट्स में तैयार किए हुए किचन कंपोस्ट, और साथ ही साथ ये सूखी हुई चाय की पत्तियाँ मैं ले रही हूँ। तो सूखी हुई चाय की पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं, ये बोनसाई के लिए अच्छी खाद होती है। अब मैं इन सभी को मिक्स कर दे रही हूँ, इतना फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए सफिशियंट है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं लगभग 17-18 साल से बोनसाई पे वर्क कर रही हूँ, लेकिन इस स्टेज की वीडियो मैंने कभी शूट नहीं किया था, इसीलिए अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। इसे इस तरीके से खड़ा रखने के लिए मैं स्टोन का सहारा ले रही हूँ, यहाँ स्टोन लगा दे रही हूँ ताकि इस तरीके से ये खड़ा रह सके ये प्लांट। अब देखिए, अब इसके ऊपर से सॉइल में फिल कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स अक्सर लोग महंगे महंगे प्लांट्स की तरफ जाते हैं बोनसाई बनाने के लिए, तो जो कि काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, और हमारे क्लाइमेट में पता नहीं वो सर्वाइव करेगा या नहीं, ये भी मुश्किल होती है। लोकल में अवेलेबल प्लांट्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो आप सबका ध्यान लोकल में अवेलेबल प्लांट्स की तरफ आकर्षित करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। और ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो देखिए अब पत्तियाँ मैं रिमूव कर दे रही हूँ इसकी, और कुछ सूखी हुई ब्रांचेज है तो मैं उसे भी कट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए अक्सर बनियन ट्री में इतनी सारी ब्रांचेज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये वाल से ग्रो किया हुआ प्लांट है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं वाल में उगे हुए प्लांट को तोड़ते रहते हैं, तो इसकी नेचुरल प्रूनिंग हो गई है, और प्रूनिंग होने की वजह से इसमें ढेर सारी ब्रांचेज निकल गई है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक एरियल रूट भी है जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, ये देखिए। तो इस एरियल रूट का ग्रोथ अच्छे से हो सके इसके लिए मैं यहाँ थोड़ी सॉइल लगा देती हूँ, और अब पत्थर से डेकोरेट कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसके दो तीन रीजन है,
इस पत्थर को लगाने का, एक तो हो गया इसका डेकोरेशन, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हवा से ज़्यादा ये प्लांट हिले डुले ना, उसके लिए भी है। और बारिश का मौसम चल रहा है या फिर मैं वाटरिंग जब करूँ तो मिट्टी इसकी पानी के साथ बहकर बाहर ना निकल जाए, तो इसके लिए भी ये स्टोन लगाना ज़रूरी है। और देखिए मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट थी इसीलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है देखिए। और अब इसमें वायर कर देती हूँ, तो वायर की भी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है इस प्लांट की, फिर भी थोड़ा बहुत शेप देना ज़रूरी है। तो मैं ये नीचे की एक ब्रांच है इसमें वायर कर दिया मैंने, और एक ऊपर में भी एक ब्रांच है तो उसे भी मैं वायर कर दे रही हूँ। देखिए ऐसा करने में थोड़ा सा हिल गया प्लांट, कोई बात नहीं, पत्थर को मैं थोड़ा सा दबा दूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस वाले ब्रांच में वायर मुझे करना है, ये वाला ब्रांच, तो इसमें भी मैं वायरिंग कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए अक्सर लोग महंगे महंगे प्लांट की बोनसाई लगाते हैं और हमारे क्लाइमेट में सूट ना करने की वजह से वो अक्सर डेड हो जाते हैं, कुछ दिन चलते हैं फिर डेड हो जाते हैं, फिर हमें दुख होता है। तो उससे अच्छा होगा कि लोकल में अवेलेबल प्लांट पे ही वर्क किया जाए, और बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसे आप बोनसाई बना सकते हैं, और उनमें से कुछ प्लांट की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वैसे प्लांट हैं जो कि मिल जाएंगे लोकल में अवेलेबल प्लांट। तो फ्रेंड्स देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने वायरिंग कर दिया, देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ये। तो हर कुछ यहाँ फ्री का ही मिल रहा है, पॉट भी फ्री का है, फर्टिलाइज़र भी फ्री का है, और ये प्लांट भी फ्री का है। तो देखिए कितना क्यूट सा प्लांट है, एक छोटा सा ट्री दिख रहा है, मिनी ट्री के रूप में अभी से नज़र आ रहा है, जब इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी तो ये और खूबसूरत सा नज़र आएगा। वैसे भी बोनसाई एक आर्ट ही है कि छोटे से पॉट में एक मिनी ट्री का लुक देना, तो यही मैंने भी यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की है। तो देखिए लगभग 8-10 दिन बीतते बीतते इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ये प्लांट अब डेड नहीं होगा। वैसे तो ये काफ़ी हार्डी होता है, डेड तो होना ही नहीं था, फिर भी मैं इसकी 8-10 दिन के बाद की अपडेट मैंने दिखाया। ये देखिए नई नई इसमें लीव्स आनी शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार फ्रेंड्स।